आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है अल्फा पार्टिकल की, जब हमें हीलियम न्यूक्लियस का मास दे रखा है, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और 1 AMU 931.4813 MeV के इक्वल बता रखा है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? ये होता है Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ जो भी न्यूक्लियाई है, इस केस में अल्फा पार्टिकल है, इंटू ये AMU में है तो MeV में चेंज करने के लिए 1 AMU से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 931.4813 MeV हो जाएगा। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है हमारा हीलियम न्यूक्लियस 2,4 हीलियम। ठीक है, तो Z कितना आ गया? 2 आ गया, 2 × 1.007277 प्लस A माइनस Z भी 2 है, 2 × 1.00866 माइनस 4.001235 इंटू में 931.4813। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 28.539 MeV। ये आ गई हमारी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर यही हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी होती तो वो कितनी होती? 28.539 डिवाइडेड बाय 4 होती, तो कितना आता है ये? 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 and 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28 MeV। इतने अप्रॉक्सीमेटली इतना आता, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो ये आ गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, एंड ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।